है गाइस, व्हाट्सअप। गाइस, आज के टाइम में मोबाइल और लैपटॉप तो हर किसी के पास होता है, बट कभी कभी जो एज अ बिगिनर है उन्हें मोबाइल टू लैपटॉप में या फिर लैपटॉप टू मोबाइल में फाइल ट्रांसफ़र करना या फिर इमेजेस ट्रांसफ़र करना, मैं स्पेशली इमेजेस ट्रांसफ़र करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। उन्हें वो नहीं पता हो कि अगर इमेज ट्रांसफ़र करना है तो कैसे ट्रांसफ़र करना है, इवन ट्रांसफ़र करने के बाद जो फ़ोटोज़ है वो कहाँ पर जाती है और कहाँ पर स्टोर होती है। जो भी हम एक लैपटॉप टू मोबाइल में या फिर मोबाइल टू लैपटॉप में कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं तो काफ़ी हमें तकलीफ भी होती है, बिकॉज हमें कभी प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है तो फाइल्स भी कभी एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज मैं वो प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मोबाइल टू लैपटॉप में या फिर लैपटॉप टू मोबाइल में इमेजेस को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के वीडियो में मैं आपको पहले मोबाइल टू लैपटॉप में कैसे इमेज ट्रांसफ़र करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सिंपली इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है ये। यस, दिस इज़ कॉल्ड USB केबल। ये USB केबल कोई अलग नहीं है, ये मोबाइल का चार्जर है। आप मोबाइल के चार्जर का जो साथ में जो आपको USB मिलता है उसका ही यूज़ आपको करना है। कोई OTG का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली USB केबल है, देन इस USB केबल के एक पोर्ट को लैपटॉप से कनेक्ट करना है। आई जस्ट शो यू हाउ टू डू दैट। ओके, तो यहाँ पे लैपटॉप से इसको कनेक्ट करना है। ओके, तो ये लैपटॉप से यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अभी ये जो पोर्ट है इसको एक मोबाइल के साथ में कनेक्ट करना है इस तरीके से। जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप में कुछ मैसेज पॉपअप होगा। यू जस्ट शो दैट। देखिए, ये रहा, यहाँ पे ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप मोबाइल में ये USB केबल डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। ये जो फाइल है ये मोबाइल का फोल्डर है, यानी कि जैसे मैं निकाल दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। गया, फाइल गया। अब जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूँगा ये वापस ऑटोमेटिक पॉपअप होगा। तो यू कैन सी दैट, तो ये फिर से ओपन हुआ। ये जो फाइल है, ये जो फोल्डर है, ये मोबाइल का फोल्डर है। तो यानी कि मोबाइल में क्या क्या फोल्डर है ये आपको यहाँ पर पूरा शो करेगा। तो सिंपली अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल में एक सेटिंग करना है। जैसे आप यहाँ पे USB केबल इंसर्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पे आपको एक यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन शो करेगा एंड्रॉयड। तो यहाँ पे आपको टॉप में एक ऑप्शन दिखेगा, यानी कि चार्जिंग दिस डिवाइस वीआई USB। सिंपल इस पर टैप करना है, और जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो सिंपली से इस पर आपको यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। जैसे टैप करेंगे देन उसके बाद ये यहाँ पे विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये मोबाइल का विंडो है, और ये जो स्टोरेज यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये है मोबाइल का स्टोरेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। सिंपली इस पर क्लिक करना है, देन उसके बाद ये पूरा मोबाइल का फोल्डर ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ भी आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ पे मोबाइल टू लैपटॉप में कोई इमेजेस कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली मोबाइल टू लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पे गैलरी में जाना होगा। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे अब जैसे मैं आपको लाइव एक इमेज ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ मोबाइल टू लैपटॉप में। तो कौन सा करूँ। ओके, तो ये थोड़ा फनी टिप दिख रहा है, एक पबजी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, बिकॉज ये मेरे ये ऑब्वियसली इसका फाइनल हेल्थ चल रहा था, जैसे मुझसे माफ़ी मांग रहा था, मैंने फनी वे में इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो सिंपली मैं इसको ही मोबाइल टू लैपटॉप में ट्रांसफ़र करूँगा। यू कैन सी दैट। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे सिंपली देखिए, मोबाइल टू लैपटॉप में या फिर लैपटॉप टू मोबाइल में शेयर करना एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली मैं आपको उससे भी ईजीएस्ट वे बताता हूँ। तो यहाँ पे दोनों में आप एक ही तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली आपको देखिए, अगर आपको कुछ भी लैपटॉप टू मोबाइल में भी ट्रांसफ़र करना तो काफ़ी ईजी है। सिंपली आपको यहाँ पे देखिए, जो भी फाइल को आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र, ओके मैं ऐसे करता हूँ, आपको मैं लैपटॉप टू मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र करना है वो मैं आपको बता दूँ, बिकॉज मोस्टली लोगों को यही काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि लैपटॉप टू मोबाइल में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो वही मैं आपको एकदम ईजीएस्ट वे बता देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो इजिली क्लियर हो जाए। तो इसको मैं जरा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। देन अगर लैपटॉप टू मोबाइल में आपको ट्रांसफ़र करना है तो काफ़ी उससे भी ज़्यादा ईजीएस्ट है। मैं आपको तो सबसे पहले आपको यहाँ पे माई PC ओपन करना है, माई कंप्यूटर। देन उसके बाद जो भी फोल्डर है, फॉर एग्जांपल ये डाउनलोड के ऑप्शन में मैं गया, डाउनलोड के ऑप्शन में जाने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे ये जो इमेज है सामने, ओके ये जो मैन है ऑस्टिन इवंस, ही इज़ एन यूट्यूबर, टेक यूट्यूबर। तो सिंपली मुझे इसका फ़ोटो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है। तो हाउ यू कैन डू दैट, सो सिंपली
यहाँ पे इसको ये जो सिंपली है इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे राइट माउस का जो राइट का बटन है उसे क्लिक करना है, देन ये ऑटोमेटिक, देन इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो नीचे यहाँ पे आपको एक कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी करना है, देन इसके बाद यहाँ पे नीचे जाना है, देन नीचे जाने के बाद ओके सो यहाँ पे सिंपली आपको एक ऑप्शन दिखेगा इन्फिनिक्स हॉट 7, ये है मेरा, यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स, ये मेरा मोबाइल है जो ये इन्फिनिक्स हॉट 7 है, और इन्फिनिक्स हॉट 7 का फोल्डर आपको यहाँ पे दिखेगा, सिंपली इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद स्टोरेज पे क्लिक करना है, देन इसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे भी उसको पेस्ट करना चाहते हैं आप उसको वहाँ पे इजीली पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ईजीएस पे बताऊँगा, यहाँ पे व्हाट्सअप में मुझे अभी ट्रांसफर करता है, व्हाट्सअप का एक फोल्डर है, सिंपली मैं इस पर टैप करूँगा, ये मोबाइल का फोल्डर है, देन इसके बाद मीडिया पर टैप करूँगा, मीडिया पर टैप करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सअप का जो फोटो है ओके व्हाट्सअप इमेजेस इस पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके सो लेट्स पेस्ट इट, तो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूँगा मैं, तो सिंपली ये रहा वो इमेज जो यहाँ पे आ चुका है, यस यहाँ पे, तो लेट्स मैं चेक इट आउट कर लेता हूँ कि यहाँ पे है कि नहीं वो इमेज, तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ, तो लेट्स चेक इट आउट कि गैलरी में वो आया है कि नहीं इमेज, तो सिंपली मैं यहाँ पे गैलरी ओपन करता हूँ, गैलरी ओपन करने के बाद ये रहा वो इमेज, ये देखिए टुडे है यानी कि जस्ट अभी ये ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये रहा वो इमेज, यानी कि देखिए सिंपली यहाँ पे आपको टुडे दिख रहा है, यानी कि ये जस्ट अभी अभी लैपटॉप टू मोबाइल में ट्रांसफ़र हुआ है। सेम इसी तरीके से आप मोबाइल टू लैपटॉप में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई इजीएस एकदम ये सिंपल वेस्ट वे है, तो इस तरीके से गाइस आप इजीली मोबाइल टू लैपटॉप में या फिर लैपटॉप टू मोबाइल में इमेजेस को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ ये जो ट्रिप्स है ये 2019 इवन 2020 दोनों में काफ़ी यूज़फुल होगा। सो दिस वॉज द वीडियोस ऑल अबाउट दैट यू कैन हाउ टू ट्रांसफ़र इमेजेस फ्रॉम लैपटॉप टू मोबाइल और मोबाइल टू लैपटॉप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।